अधिकारियों ने निकाला विरोध प्रदर्शन। बताते चले, विरोध प्रदर्शन के रूप में अजमेर पुलिया से एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला गया और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विद्युत बिलों में फ्यूल सरचार्ज महंगाई के विरोध में प्रदेश सरकार पर महंगाई को लेकर सादात निशाना। मंडल अध्यक्ष राज नारायण शर्मा के नेतृत्व में ही सौंपा गया ज्ञापन। दुदू एसडीएम भूपेंद्र सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद से मनोहर बैरवा, एडवोकेट अशोक दाय मान, नानूराम धाबाई, एडवोकेट प्रहलाद कड़वा, महामंत्री अवधेश शर्मा वहां के जो आप ज्ञापन दे, इस मामले में क्या कहना चाहते हो? मैंने ये निवेदन है कि जो वर्तमान में अभी राजस्थान सरकार द्वारा राहत कैंप लगाकर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, राहत अगर देनी होती तो पिछले 4.5 साल में वो घर बैठे भी ऑनलाइन दे सकते थे, लेकिन उनको राहत नहीं देनी, बाकी जनता को परेशान करना है। एक एक आदमी से 10-10 कागज मांगे जा रहे हैं, उनकी फोटोकॉपियों पे उन पर खर्च कराया जा रहा है गरीब आदमी को, वो मात्र परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। सभी जिला कार्यालय और जिला मुख्यालय और उपखंड कार्यालय पे राजस्थान सरकार द्वारा जो ये दिखावा किया जा रहा है, राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के एक बहानगी के रूप में ये जो फ्यूल चार्ज बिजली के बिलों में 100 यूनिट तक फ्री करके फ्यूल चार्ज बढ़ा के दिया जा रहा है, ये जनता के ऊपर मार है, दोहरी मार है। एक तरफ तो वो अपने लोगों को पक्ष में करना चाह रहे हैं, गरीब जनता को अपने फेवर में करना चाह रहे हैं, जबकि ये सीधा सीधा चुनावी फायदा लेने के लिए गहलोत सरकार द्वारा घोषणा वीर बन करके घोषणाएँ की जा रही है, जो कि धरातल पर न तो पहले उतरी है न ही आगे उतरी जाएगी, क्योंकि इनको पता है 3 या 4 महीने बाद में चुनाव होने के बाद जो सरकार आएगी, कांग्रेस गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके द्वारा ये करना मुश्किल होगा, और ये अपने वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, इसलिए ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिवाय बेवकूफ़ बनाने का और कोई काम नहीं किया जा रहा है।